नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौधरी आपका स्वागत करता हूं काम की बात के पहले एपिसोड में। और हम अपने पहले एपिसोड में सबसे पहले बात करेंगे हमारी रोज़मर्रा से जुड़ी चीज़, सबसे अहम चीज़, दूध से। अगर आप भी बाहर से दूध खरीदते हैं तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। वैसे तो हम आमतौर पर अपने आसपास काफ़ी ज़्यादा दूध वालों को दूध में पानी मिलाते हुए देखते हैं, लेकिन वो जो पानी मिलाते हैं वो उसमें सिर्फ और सिर्फ दूध की ताकत कम होती है और दूध वालों का मुनाफा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप बाहर से, बाज़ार से पैकेट बंद दूध खरीदते हैं और इसके अलावा दूध से बने हुए उत्पादों का लगातार सेवन करते हैं, तो आपके लिए दूध की मिलावट पर बनी अभी ताज़ा रिपोर्ट जो बनाई है FSSAI ने, उसको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की दूध में मिलावट पर आई ताज़ा रिपोर्ट के बारे में, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया में बिकने वाला दूध और दूध से बनने वाले उत्पादों में 68.7% मिलावट पाई गई है। जी दोस्तों, 10% मिलावट नहीं, 20% मिलावट नहीं, बल्कि बाहर बाज़ार में बिकने वाला दूध और उससे बने उत्पादों में 68.7% मिलावट है। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई पानी की मिलावट नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ प्योरिटी कम होगी और आपकी हेल्थ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि मिलावटखोर आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और दूध में मिलाया जा रहा है डिटर्जेंट और सफ़ेद पेंट, ताकि दूध दिखने में गाढ़ा लगे और लोगों को बिल्कुल भी शक ना हो कि ये प्योर दूध है ही नहीं, और उनका दूध और दूध से बने हुए उत्पाद हाथों हाथ बिके। और हैरानी की बात यह है कि इंडिया में गाय भैंसों से जितना दूध प्रोड्यूस होता है उससे ज़्यादा दूध की खपत है, तो फिर ये इतना दूध आता कहाँ से है, ये अपने आप सोचने वाली बात है। और इसके साथ ही साथ अगर आप बाहर से दूध खरीदते हैं, पैकेट वाला दूध खरीदते हैं, दूध से बने कोई उत्पाद खरीदते हैं, तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। और सबसे पहले आपको ये करने की ज़रूरत है कि आज ही अपना दूध का सैंपल फूड सेफ्टी के अपने नियरेस्ट ऑफिस में लेकर जाएं, पता करें आपके आसपास फूड सेफ्टी का ऑफिस कहाँ है और वहाँ पर उसकी गुणवत्ता चेक करवाएं कि कहीं आप धीमा जहर तो नहीं ले रहे जो आपको आगे चलकर परमानेंट बीमार कर देगा। तो दोस्तों, अगर आप भी बाहर से ऐसे ही दूध खरीदते हैं तो सावधान रहें, सतर्क रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि सरकार तो आपकी सेहत का ख्याल रखने वाली है नहीं। और अब बढ़ते हैं इसी में अगले पहलू की तरफ। आज हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को संबोधित कर रहे थे, और इस दौरान उन्होंने रैपिड एक्शन फोर्स, CRPF और पुलिस की काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की और कहा कि जिस तरह से आप लोग नक्सलियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, देश आपका ऋणी है। इसके साथ ही साथ राजनाथ सिंह जी ने ये कहा कि अगले 3 साल में देश नक्सलियों से मुक्त हो जाएगा। जी दोस्तों, देश अगले 3 साल में राजनाथ सिंह जी के अकॉर्डिंग नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। इसमें गौर करने वाली बात यह है, जो मुझे भी पता है और आपको भी पता है, देश तो 3 महीने में मुक्त कर दे हमारे जवान नक्सलवाद से, हमको अपने जवानों पर इतना भरोसा है। लेकिन क्या सरकार में वो इच्छा शक्ति है कि जवानों को उतनी ताकत दे सके कि वो नक्सलवाद को अपने तरीके से ख़त्म करें? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी भी सरकार ने आज तक नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंकने की इच्छा शक्ति दिखाई होती तो आज देश की आज़ादी के 70 साल बाद देश नक्सलवाद से नहीं जूझ रहा होता। इस दौरान BJP की भी सरकार आई, कांग्रेस की भी सरकार आई। अब BJP सिर्फ ये नहीं कह सकती कि कांग्रेस ने 60 साल तक राज किया, क्योंकि BJP का राज भी अब 9 साल का हो चला है और ये वाला टेन्योर इनका 4 साल का हो चला है। और ऐसे में जब गृहमंत्री जी ने कहा कि हम 3 साल में नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, ऐसे में मुझको उनका मई 2015 में पार्लियामेंट में दिया वो भाषण याद आ गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं विश्वास के साथ कहता हूँ हम दाऊद को हिंदुस्तान लाकर ही रहेंगे। और अब 2018 हो गया है और देश की जनता पूछना चाहती है कहाँ है दाऊद। खैर, सरकार किसी की भी हो, देश के नेता ऐसे ही वादे करते हैं और हमारे जवानों के बीच भी वो वादे कर रहे हैं। जवानों को पता है कि उनमें ताकत है नक्सलवाद को खड़ फेंकने की, लेकिन जवानों को ये भी पता है कि सरकार की तरफ से उनके हाथ हमेशा बांध दिए जाते हैं। तो दोस्तों, सरकार को ज़रूरत है कि जवानों के हाथ एक बार तो खोल कर देखें और देखें 3 साल में वो नक्सलवाद को खड़ फेंकते हैं या सिर्फ उनके लिए 3 महीने ही काफ़ी हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिसंबर में आ रहे हैं 5 राज्यों में चुनाव, और जब चुनाव आते हैं तो चुनाव से पहले आते हैं मीडिया वालों के ओपिनियन पोल। और ABP न्यूज़ और सी वोटर के द्वारा कराए गए ओपिनियन पोल के सर्वे में BJP की मुश्किलें
खासकर तीन राज्यों में जिनमें वो सत्ता में है उनमें बढ़ती दिखाई दे रही है। ये तीन राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, क्योंकि इन तीन राज्यों में कांग्रेस सीधी सीधी सत्ता में आती दिखाई दे रही है और साफ दिखाई दे रहा है कि इनमें कांग्रेस का वनवास सत्ता से ख़त्म होने जा रहा है। इस ओपिनियन पोल के अकॉर्डिंग अगर राजस्थान में आज ही इलेक्शन हो जाए तो कांग्रेस को 142 सीटें मिलेंगी, जबकि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी सिर्फ और सिर्फ 56 सीटों पर सिमट जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश की 230 में से 122 सीटें कांग्रेस अगर आज इलेक्शन हो तो मध्य प्रदेश में जीत सकती है। और वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो अगर 90 सीटों पर छत्तीसगढ़ की आज ही इलेक्शन हो जाए तो कांग्रेस सीधे सीधे 47 सीटें जीतती दिख रही है, ऐसा एबीपी न्यूज़ और सी वोटर का सर्वे बताता है, जो कि ओपिनियन पोल माना जा रहा है चुनाव से ठीक पहले का। हालांकि अब जब मोदी जी रैली करेंगे, तरह तरह के वादे करेंगे, उसके बाद जनता का मूड किस तरफ जाएगा ये तो चुनाव का रिजल्ट ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इस वक्त के मूड के हिसाब से कांग्रेस बीजेपी को तीन राज्यों में पछाड़ती दिख रही है, जहां पर बीजेपी की एक मुश्त सत्ता थी और पिछले काफ़ी वक्त से बीजेपी वहां पर सत्ता में थी। 2017 में ट्विटर पर शुरू हुआ मीटो मूवमेंट, जिसमें बहुत सी दुनिया भर की अभिनेत्रियों ने या फिर फिल्म वालों के साथ काम करने वाली असिस्टेंट ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि कैसे उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट की कोशिश हुई या फिर उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। अब इसमें तनुश्री दत्ता के बाद इंडिया की क्वीन, बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत भी आगे आई हैं और उन्होंने क्वीन के सेट्स पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। कंगना रनौत ने बताया है कि क्वीन फिल्म के डायरेक्टर हमेशा सेट्स पर उनको टाइटली हग करते थे और उनके बालों को सूंघते थे और अपने हर दिन नई लड़की के साथ सोने के किस्से उनको बताया करते थे। इसके अलावा आजकल विकास बहल, जो कि क्वीन के डायरेक्टर हैं, उनकी एक एम्प्लॉई ने भी उनके खिलाफ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था और उन्होंने बताया था कि जब वो अनुराग कश्यप को के पास गई थी उनका अपना एक्सपीरियंस लेकर, तो अनुराग कश्यप ने उनसे सॉरी बोला था और कहा था कि सॉरी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। इसके अलावा अनुराग कश्यप ने कोई एक्शन नहीं लिया था। तो दोस्तों आज इस काम की बात के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मैं आपसे रोज़ मिलने की कोशिश करूँगा इसी तरह काम की बात में। तब तक के लिए बने रहिए अपने चहेते राहुल चौधरी के साथ। अब मैं लेता हूँ आपसे विदा। जय श्री राम।